Hello guys, welcome back to another video of Realm Craft. So guys, आपको पता है guys कि हमारे Ash family में 50 लोग आ चुके हैं. इसका मतलब ये है कि हमारे Ready Max family में 50 subscribers हो चुके हैं. So इसी बहाने एक like और एक subscribe. So guys, इस video में मैंने क्या किया था कि मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन खेला था. मैंने दो चीज़ें सीखी. एक है ऑटोमेटिक शुगर गेन फार्म, क्योंकि मुझे विलेजर्स से ट्रेडिंग करनी है, और दूसरा यह है कि विलेजर्स से कैसे ट्रेडिंग करी जाए. और गैज, मैं वीडियो ये अभी से ही अपलोड करने लगा हूँ, क्योंकि जब से मैंने कहा था कि मैं 5 दिन के बाद करूँगा, लेकिन जब से मैंने देखा कि मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए तो मेरी खुशी का फव्वारा ही नहीं फूट रहा. गूगल गाइज, मैं ये कि बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये था कि ये काम नहीं कर रहा. सो हमें मल्टीपल चीज़ें चाहिए. आई थिंक काम हो सकता है. नहीं, लिटरली काम हो सकता है गाइज, और मैं दिखाऊंगा आपको कैसे. ये काम मैंने बहुत ही बुरा कर दिया है, तो इसे मुझे करना पड़ेगा कवर अप. ओ भाई, मछली आने लगी. ओ तेरी मेरे खेत में जा रही है. ये तो इस ब्लॉक पे बैठा हो गया. बस पे बैठे रुक जा. और ये बंद किस्सा खत्म. मुझे भी अरे यार. हाँ गाइस, तो ये बंद हो चुका है. तो गाइस, अब हम लोग बनाना कंटिन्यू रखेंगे. अरे गाइस, मेरा काम तो बस इतना था कि इसे भी लगा लें और मैं अपना काम करते वक्त बना लूँगा. कोई टेंशन नहीं है, अपने पास माल बहुत ज़्यादा है. और अब हम लोग इसे माइन कर लेते हैं. और गाइस, ये ऑब्जर्वर मैंने ख़रीदा है, और इसे बनाने के लिए आपको चाहिए था नेदर है. तो अगर मुझे सैंड चाहिए हमारे 50 सब्सक्राइबर क्यों चुके हैं. तो मैं जल्दी ही एक क्यूएनए करूँगा, और साथ ही साथ एक कॉन्टेस्ट भी. अगर आप लोग इस क्यूएनए और कॉन्टेस्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन नाउ. और भाई अभी तो मुझे, क्योंकि मैं क्यूएनए का वीडियो मैं कभी भी ला सकता हूँ, मुझे भी पता नहीं कि मैं कब लाऊँगा. छोड़े को कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया छोड़े को. नहीं, लिटरली कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे दिया. सो आई थिंक एक और बाल्टी चाहिए होगी. तो मुझे फो भी चाहिए. हो ये भी हो चाहिए मुझे हो करने के लिए. लॉल, वेल कहाँ गया मेरा हो ख़त्म हो गया, और मुझे पता भी नहीं. एक बाल्टी पानी ले ला. और गाइज, मैंने विलेजर्स के साथ थोड़ी सी ट्रेडिंग की, और मैंने अपने डायमंड स्वॉर्ड को एनचांट किया शार्प स्वॉर्ड 4 से. और मैंने ये एनचांटेड बुक खरीदा जिसका नाम है आर्मर 4. वेल मैंने सारे के सारे विलेजर्स को मार दिया. हाँ गाइज, मैंने सारे के सारे विलेजर्स को मार दिया. उसका अभी रीज़न ये है. एक सेकंड गाइज, आई थिंक कि अंधेरा हो चुका है. सो मुझे भाई सोना पड़ेगा. तो भाई मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए था हो. ये रहा हमारा हो. सीड हमारे पास है ही. सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं. और गाइस, मैं अभी पिस्टन बनाऊंगा, और आई थिंक एक ही सामान से ऑटोमेटिक कुकिंग फार्म बन जाएगा. हाँ गाइस, आई थिंक एक ही ऑब्जर्वर से ऑटोमेटिक फार्म बन जाएगा. मैं तो अटैच करने वाला हूँ. तो भाई कहाँ है पिस्टन बनाते कैसे हैं? ये क्या है? ड्रॉपर नहीं, ओ तेरी. हाँ गाइस, मुझे तो ये भी तो चाहिए. क्या कहते हैं, आयरन इंगट. हाँ गाइस, मेरे पास आयरन की कमी होती जा रही है. सो मुझे आयरन भी माइन करना पड़ेगा. अरे किधर गया? ये रहा पिस्टन. सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं. और गाइस, अगर आप लोग सामने देख सकते हैं तो वो है. और गाइस, आपको पता है कि इन विलेजर्स को
ये क्या कहते हैं, टूल स्मिथ। अच्छा तो कूल के बदले एमरल, और ये क्या दे रहा है, आयरन शॉवल, ऑपरेटिविटी 3, इसका मतलब है कि एफिशिएंसी 3। सो गाइस माइनक्राफ्ट के एन्चेंटमेंट्स और स्केच एन्चेंटमेंट्स दोनों अलग अलग हैं। सो आपको बस कैसे ब्रीडिंग करते हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। सो भाई एक है लाइब्रेरियन, ये क्या दे रहा है, फालतू एन्चेंटेड बुक मुझे नहीं चाहिए, और तुम परे मत। ये क्या है, अच्छा ये तो लेदर वर्क है, ये तो मेरे पास पहले से ही है। ये क्या है, फ्लेक्चर, फ्लेक्चर भी मुझे चाहिए था गाइस। और ये क्या है, तू भी लेदर वर्क कर। और ये तो टूल्स में, यो ओ भाई मेरा कॉबल, मेरा ये क्या गया, पिकैक्स का आ गई मेरी। अरे नहीं नहीं विलेजर्स भाग जाएंगे गाइस। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं एक ऑटोमेटिक डोर कैसे बनाऊँ जिससे कि विलेजर्स आए ही ना। हाँ गाइस विलेजर्स आए ही ना, ऐसा आप लोग प्लीज मुझे बताइए। और ये पिक तो मेरा गाजर ही तबाह करके गया तुम्हारी तो। और गाइस अंधेरा भी होने वाला है, तो मैं गाइस कहते हैं पिस्टन को हम रखेंगे यहाँ पे, इसे ब्रेक कर ले। और अंधेरा भी हो चुका है लेकिन हम अंधेरे पर भी काम कर सकते हैं। और मुझे बेसिकली यहाँ पे रखना है कॉबल स्टोन, वही मेरे पास बस एक ही लगते हैं। नहीं नहीं मेरे के लिए एक ही लगते हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है। और गाइस यहाँ से एक ईटर उठा के ऐसे रख देते हैं, और ये हमारा काम काम हुआ या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ गाइस काम हो चुका है, हमारा कॉबल मतलब कॉबल स्टोन जनरेटर कह रहा हूँ, हमारा ऑटोमेटिक सुपर किंग काम बन चुका है। तो गाइस मैं सुबह होते ही मैं इसको पता नहीं बिल्डिंग ब्लॉक से मैं इसको कवर अप कर दूंगा ताकि ये उछल कर बाहर ना जाए, सीधा हॉपर में गिरे और चेस्ट में चले जाए। सो गाइस हमारा शुगर केन फार्म तो बन चुका है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं। और आई थिंक मुझे इसके लिए तो भाई ओपन स्पेस चाहिए, नहीं नहीं लिटरली ओपन स्पेस चाहिए। सो ये तो हमारा बन चुका है ना गाइस। सो भाई इसको ऐसे करके ऐसे करके, और ये हो गया। अब यहाँ पे है ऑब्जर्वर, और यहाँ से पानी जाता है और ये भी उगता रहेगा क्योंकि मुझे एक नदी चाहिए होगी। तो क्या मैं इसे नदी के पास बनाऊँ गाइस, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भाई मुझे इसको कवर अप करना पड़ेगा, कवर अप करने के लिए मेरे पास ब्लॉक्स आई थिंक ये एनफ होंगे। शुगर केन वगैरह नदी के पास बहुत ही जल्दी से जल्दी उग जाते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि ये जो होता है ना कि ये गिरे ना। और भाई इसे एक ब्लॉक और ऊंचा कर फार्म एक्चुअली। तो भाई यहाँ से सामान उठाते हैं। तो गाइस अगर मैं आपको पिक्चर ट्रेलर दिखाऊं तो पिक्चर तो सुपर हिट जाएगी, उतनी उग रहे हैं, नहीं नहीं लिटरली उग रहे हैं। और मैंने ओ भाई इसने तो भाई मुझे पुश कर दिया। तो इसी तरह से गाइस ऐसे उगता रहेगा तो फिर ये तो क्यूज। अरे यार सही में चाटा भी पड़े, नहीं नहीं लिटरली चाटा। गेम इतना मत्था खराब करेगी ना कि मेरा मत्था खराब हो जाएगा। और देख मैं नीचे ही गिर गया। तो भाई ऐसे जाके इस कब्रिस्टन को तोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा। हमें वैसे अभी कब्रिस्टन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डाल देते हैं तब तक काम आ जाए। और ऐसे 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 और ऐसे ऐसे काफ़ी मॉब्स स्पॉन होंगे, बल नहीं होंगे क्योंकि मैं पीसफुल नहीं हूँ। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाइस मुझे इस काम को यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वीट उग रहे हैं और मेरी गेम लैग की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा।
गेम लैग होना बंद हो जाए। ओके गाइस, तो हम लोगों ने लगा लिया है सीड, पता नहीं मेरी ये गेम इतनी लैग क्यों हो रही है। सो ओके गाइस, सो मेरा गेम तो अभी ठीक हो चुका है। वो तो इतने सारे चीज़ें की हैं सब चुके, गेंद से मैं पेपर बनाऊंगा और जल्दी अमीर हो जाऊंगा। सो हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग वेडिंग कर लेंगे गाइस। तो अपना काम करना अगर आपको पता है कि ऑटोमेटिक काम कैसे बनाते हैं तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी अभी यहाँ से कौन कुछ है पता नहीं मेरा बहनों को लैग होना भी बंद हो जा, अभी तक बंद नहीं हो रही। ओ भाई ओ भाई, चल चल इसे भी यहाँ पे लगा लेते हैं। हमारे पास चोखा ब्रेड आ चुका है, मतलब कि वीट, सॉरी गाइस, अगर ज़्यादा ब्रेड होना तो उतनी ज़्यादा मतलब कि वो होगी, मतलब कि अगर मैं आपको ट्रायल दिखाऊंगा तो अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेड इन लोगों को देंगे तो ये मतलब कि वो क्या करेंगे, हाँ ये ब्रेड को मतलब कि एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को ब्रीडिंग करने का मौका मिलेगा। और मौका तो सभी को ही मिलता है, मेरा मतलब छोड़िए गाइस, पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। और वेल गाइस, आप लोगों ने सही समझा था कि मैं 5 दिनों के बाद आने वाला हूँ, लेकिन मैं जल्दी आ गया क्योंकि मैंने देख लिया था कि मेरे 50 सब्सक्राइबर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप वीडियो मैं कह सकता हूँ गाइस। तो भाई अपने पास 55 वेट है, तो इसका मतलब ये है कि गाइस हमारे पास इनफाइनाइट नहीं, मतलब कि एनफ वीट आ चुकी है। और वेल मैंने ये पास बनाया था। सो गाइस मैं अभी वीट बना के आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस, चोखा वीट बन रहा है बस। ओ भाई ऑल नहीं करना। सो गाइस, ये है हमारा प्रजनन केंद्र। और आपको गाइस एक बात याद रखनी है कि आपको ना इन विलेजेस के आसपास आप लोगों ने ये रखना डोर्स, क्योंकि ज़्यादा डोर होंगे तो इन लोगों का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। ले आई थिंक मुझे गाइस दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। ओ भाई ये लोग ब्रीड करने लगे हैं, नहीं नहीं लिटरली ये लोग ब्रीड करने लगे हैं गाइस। आई थिंक मुझे इस दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा और अलग साइड में लगाना पड़ेगा। गाइस हम लोगों ने तोड़ दिया इतना दरवाजा, गाइस आप लोग लगाएंगे इतना ही दरवाजा। और थैंक यू जी। और ब्रेड, हाँ गाइस, तो ब्रेड तो ये रहा, लो। ओ सॉरी सॉरी, ये ले ठूस भी ले यार, मुझे ना इनके पास ये ब्रेड देना पड़ेगा। हाँ तो इन्होंने ले लिया है, अब ये दोनों ब्रीड करेंगे। देखिए गाइस मैंने क्या कहा था, ब्रीड कर लिए बेबी, ये रहा बेबी गाइस, आपको पहले नहीं पता था लेकिन। ओ भाई मेरा वीट कहाँ गया, I mean मेरा ब्रेड कहाँ गया, ग्लिच। सो गाइस आई थिंक इस वीडियो को लेकर बस इतना ही, हमें तो बहुत मज़े आया। सो गाइस आज हम लोगों ने आपको सिखाया कि गियोलम क्राफ्ट में ब्रीडिंग कैसे करते हैं। सो या गाइस, स्मैश द लाइक बटन गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो मुझे कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। और मैं चलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ बनाने। गुड बाय।